हेलो फ्रेंड्स, आरती क्रिएशन में आपका स्वागत है। फ्रेंड्स, आज हम एक निटिंग का डिज़ाइन बनाएंगे जो कि बिगनर्स के लिए है। अगर आपको नया नया उल्टी सीधी बुनाई भी आती है तो आप आराम से ये बना सकेंगे। ये मफलर के लिए परफेक्ट डिज़ाइन है, दोनों तरफ से एक सा रहेगा। तो इसके लिए आपको इवन नंबर में फंदे डालने हैं। इवन नंबर में जैसे 16, 18, 20, 22, इस तरह से आप फंदे डाल सकते हैं। और मैंने यहाँ पर 20 फंदे लिए हैं, इससे मैं हेडबैंड बनाऊंगी। तो आप इसको मफलर, हेडबैंड, टोपी, बच्चों के और बड़ों के किसी भी कार्डियन में किसी भी तरह से बना सकते हैं। ये दोनों तरफ से एक सा ही डिज़ाइन रहता है। तो चलिए बनाना स्टार्ट करते हैं। इसमें सबसे पहले हम सीधी सिलाई बनाएंगे। फर्स्ट जो सिलाई रहेगी हमारी बिल्कुल सीधी रहेगी। हमने ये फर्स्ट सिलाई सीधी बनानी है। ये देखिए, फर्स्ट सिलाई हमने सीधी बना ली। अब हम क्या करेंगे, उल्टी सिलाई में हमने ये ध्यान रखना है कि पहला और लास्ट वाला फंदा हमने सीधा ही बनाना है। ये फर्स्ट फंदा सीधा बनाया, उसके बाद ये जो सेकंड फंदा है इसमें हम ये जो नीचे से हमारा वी है वो उसमें बनाएंगे। ये जो वी हमें नजर आ रहा है बीच में लूप के नीचे, वहाँ पर हमने ये सीधा इसमें बनाएंगे बीच से। नेक्स्ट फंदा जो है हम उल्टा बनाएंगे, उसके बाद ये जो नीचे वी नज़र आ रहा है उसमें हम सीधा बनाएंगे। इस तरह से ये सेकंड सिलाई, एक उल्टा और एक नीचे से सीधा, एक उल्टा और नीचे से ये नेक्स्ट जो है सीधा। इसी तरह से हम पूरी रो कंप्लीट करेंगे। लास्ट का जो फंदा है वो हमने सीधा ही बनाना है। ये अब आगे देखिए फ्रेंड्स कि क्या करेंगे। ये हम फर्स्ट तो फंदा जो है हम सीधा बुनेंगे। अभी ये देखिए, अब इसमें हमने ये जो फर्स्ट फंदा है ये हम वैसे ही नीचे से बनाएंगे सीधा, और अगला जो फंदा जिसमें ये दो लूप नज़र आ रहे हैं, ये देखिए ये दो लूप नज़र आ रहे हैं, इसमें ये हम ऊपर से नॉर्मल सीधा फंदा लेंगे। अभी हमको इस सिलाई में उल्टा या सीधा कुछ नहीं, सिर्फ सीधा सीधा ही बुनेंगे और उल्टी सिलाई में सिर्फ उल्टा, मतलब इसी तरह से बुनेंगे। ये दोनों तरफ से अब सेम रहेगा। ये देखिए, ये जो वी नज़र आ रहा है हमने इसमें सीधा बनाना है, और जिसमें ये दो लूप है, ये देखिए ये दो लूप नजर आ रहे हैं जो, ये इसमें हमने ऊपर से सीधा बनाना है। ये नीचे से और ये वाला ऊपर से ये सीधा, ये पूरी रो ऐसे ही कंप्लीट करेंगे। लास्ट में देखिए ये दो फंदे रह गए, तो ये जो दो
लूप वाला जो फंदा है इसमें ये तो हमने सीधा बनाना ही है, और नेक्स्ट जो लास्ट वाला है वो हम हर बार सीधा बनाते हैं, इसलिए लास्ट में दो फंदे सीधे आ गए हमारे। नेक्स्ट सिलाई भी देखिए ऐसे ही बनाएंगे, पहला फंदा सीधा बनाएंगे, फिर उसके बाद ये देखिए अब ये एक लूप नजर आ रहा है, एक लूप जिसमें नजर आ रहा है उसको हमने नीचे से ये जो ट्रायंगल है इसमें से बनाना है, और जिसपे दो लूप है वो हमने ऊपर से नॉर्मल फंदे की तरह सीधा बनाना है। ये देखिए एक लूप है, इसको हम नीचे से बनाएंगे, और नेक्स्ट जो टू लूप वाला है इसमें हम ऊपर से बनाएंगे, बस ये रो ऐसे ही कंप्लीट करेंगे। अभी ये दोनों तरफ से इसी तरह से बनेगा, और ये दोनों साइड से सेम ही रहता है डिजाइन, और मफलर के लिए परफेक्ट डिजाइन है ये, और बनने में भी बहुत इजी है और बनता भी बहुत जल्दी है। तो फ्रेंड्स आप ये बनाइए, मैं अभी थोड़ा सा और बना के फिर आपको दिखाती हूँ कि ये बनने के बाद कैसा दिखाई दे। ये देखिए फ्रेंड्स ये मैंने बना लिया है, ये देखिए बनने के बाद ये राइट साइड है इसकी और ये रोंग साइड है, ये दोनों तरफ से सेम ही बना है। देखिए ये बनने के बाद कितना खूबसूरत लग रहा है। आप इसको कैप में, बच्चों की कैप में, बड़ों की कैप में, मफलर और स्वेटर, हेडबैंड कुछ भी इसके बना सकते हैं। अब मैं आपको बताऊंगी कि इसको बंद कैसे करना है, क्योंकि ये देखिए ये इसका ये इस तरह से आप बंद करेंगे तो अच्छा नहीं लगेगा। अब इसको बंद करने के लिए देखिए क्या करेंगे, ये हम ये पहला फंदा सीधा बुनेंगे, उसके बाद दूसरा फंदा जैसे हम बुनते आ रहे हैं नीचे से वैसे ही बुनेंगे, और इसको ऊपर से ऐसे, और नेक्स्ट जो है ऊपर से फंदा बनेंगे, नेक्स्ट ये वाला नीचे से, ये देखिए फ्रेंड्स इस तरह से इसको हम जैसे हमने सारी बुनाई की है, एक फंदा हम ऊपर से लेंगे और एक फंदा हम नीचे से लेंगे, तो ये बिल्कुल सीधा बंद होगा इसका, तो एज इसका जो है बिल्कुल अच्छा आएगा। अभी मैं इसको और बना के हेडबैंड, पूरा हेडबैंड बनाऊंगी तो फिर बंद करूंगी। ये सिर्फ मैंने आपको दिखाने के लिए यहाँ पर बंद किया है। तो आशा करती हूँ आपको मेरा वीडियो पसंद आया होगा, तो इसको लाइक कीजिए और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, और वीडियो देखने के लिए, अपना टाइम देने के लिए थैंक यू।